सदस्य इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मेकर्स ने जो टास्क दिया था वो मंडली वर्सेस नॉन मंडली का टास्क था, और जो हारेगा वो पूरी की पूरी मंडली या ग्रुप जो है वो नॉमिनेशन में चला जाएगा। तो जो मिनट काउंट वाला टास्क था, जो टीम टास्क की तरह दिया गया, उसमें मंडली बनी शिव, स्टैन और सुम्बुल जो की है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहां पर जो है निमृत टिकट टू फिनाले और कैप्टन है, तो वो इसमें शामिल नहीं थी। तो उनका मुकाबला था नॉन मंडली, यानी कि प्रियंका, अर्चना और शालीन को भी उसमें डाला गया था। इनमें से जो ग्रुप सबसे ज्यादा 9 मिनट के करीब काउंट करेगा वो जो है नॉमिनेशन से सुरक्षित हो जाएगा। तो ये टास्क दिया गया है जहां पर दो ग्रुप्स में टीम को डिवाइड किया गया। तो आपको क्या लगता है कि जो ये टास्क दिया गया उसमें क्या वाकई में ये फेयर टास्क था, और किसने कितना काउंट किया ये पता भी कैसे चलेगा, क्योंकि हम लोगों को तो वो पूरा 9 मिनट दिखाया नहीं जाएगा कि एमसी स्टैन 9 मिनट से बैठे तो उसने 9 मिनट किया, सुम्बुल ने किया, शिव ने किया, और वर्सेस प्रियंका साथ में थी शालीन और अर्चना, एक एक करके जाएंगे, 9-9 मिनट करना है। पूरे का पूरा ग्रुप जो है उस पर आफत आएगी अगर उनका काउंट 9 मिनट के करीब नहीं हुआ। तो एक एवरेज निकाला गया होगा और उसके बाद जो है ये कॉल लिया होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 3 नॉमिनेट हुए हैं, कहीं ना कहीं कल जब टास्क दिया गया उसके बाद से ही इस बात का मुझे फील आ रहा था कि यहां जानबूझकर निमृत को टॉप 5 में ले जाने और सुम्बुल को टॉप 5 से बाहर करने की तैयारी जो है वो हो रही है। तो आपको क्या लगता है इस टास्क के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।